गैस कल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का और कैसा वाइवा लिया जाएगा आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से और डेप्थ नॉलेज में दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे के सारे जो मन में क्वेश्चन है, जो डाउट है, वो सारे के सारे ओवरऑल क्लियर हो जाएंगे। गाइस मैं बता दूँ, अभी तक हमने यहाँ पे M1, M2, M3 एंड M4 के ढेर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सेटअप तैयार कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देख चुके होंगे और उस पर प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से कर लिया होगा। जैसा कि यहाँ पे हम समझेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं वो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स के होते हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके ये 100 मार्क्स होते हैं ये अलग अलग आपके डिवाइड होते हैं। जैसा कि बात करेंगे M1, M2 एंड M3 एंड M4, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या चार पेपर से आपके क्वेश्चन अराइज होंगे, जो कि आपके बात करेंगे M1 से आपका 20 मार्क्स का, M2 से आपका 20 मार्क्स का और M3 से भी आपका 20 मार्क्स का एंड M4 से भी आपका 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो ये टोटल आपके आपके जो हो गए ये 80 मार्क्स के हो गए। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके 20 मार्क्स के वाइवा भी पूछे जाते हैं, वो कैसे आपके पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के आपके ये भी वाइवा ही रहेगा, जो टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स के होते हैं, और इस 100 मार्क्स में आप अगर 50 प्लस मार्क्स पाते हैं तभी जाके आपका रिजल्ट जो होगा वो पास होगा, अदरवाइज आपका क्या फेल हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे M1, M2, M3 एंड M4 के बारे में बहुत अच्छे से मैं पहले ही बता चुका हूँ, और इससे रिलेटेड मैं ढेर सारे क्वेश्चन भी मैं क्या पब्लिश कर दिया हूँ। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में या आई बटन पर जाके फटाफट आप जाके चेक कर लीजिए और देख लीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कोई कठिनाई ना हो। गाइज, इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो मैं अपडेट करता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। समय ना गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे चेक करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके वाइबा के माध्यम से पूछा जाएगा। जैसा कि मैं अगर अपना ओवरव्यू बताऊँ तो मैं खुद जाता हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जहाँ सेंटर नाइलेट के द्वारा भेजा जाता है वहाँ पर मैं स्वयं वाइबा लेता हूँ, तो मैं ठीक उसी प्रकार से उससे मिलता जुलता या जो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछता हूँ वो यहाँ पर मैं सारा आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको बता दो, जो एग्जामिनर होते हैं वो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन अराइज करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको बहुत अच्छे से सारे इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बात करेंगे, एग्जामिनर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अराइज करता है, जो कि यहाँ पे आपसे आपके सारे मॉड्यूल्स का नाम एंड मॉड्यूल कोड भी पूछ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा क्या होता है, जनरेशन क्या होता है और फादर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनर बहुत ईजी वे में आसानी से पूछ लेगा, और आप ये सारे कॉमन क्वेश्चन समझ के आप इसको नहीं पढ़ते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज टैग, आपके एचटीएमएल में टैग क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, आपके पाइथन में या कीवर्ड होता क्या है और कितने टाइप के आपके कीवर्ड होते हैं, आपको ये पाइथन में पता होना चाहिए कि, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करेंगे डेटा टाइप क्या होता है आपके पाइथन में, तो ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन ये क्या होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूँ यहाँ पे फॉर लूप होते हैं और व्हाइल लूप होते हैं, जो आपके पाइथन में बहुत ईजी वे से आसानी से इस्तेमाल किए जाते हैं। गाइस आपको पता भी होना चाहिए कि यूज ऑफ फंक्शन क्या होता है आपके पाइथन में, मींस हम अपने पाइथन में फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट क्या होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि राइटर में आपके लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई आपके अलग अलग अलाइनमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे, कैरेक्टर आपका एक सिंगल होता है, जैसे यहाँ पे बात करेंगे आई, तो आई का आपका क्या हो जाएगा कैरेक्टर है, वन एक आपका क्या है एक आपका एक करेक्टर है, लेकिन कलेक्शन ऑफ करेक्टर नोन एज स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। मीन्स ढेर सारे कलेक्शन जो रहेगा करेक्टर का उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे, कुछ ऐसा जवाब आपको देना पड़ेगा।
गैस कुछ और क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे कि आपके सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बीच में क्या अंतर होता है, क्या यूजेस होता है, आपके शॉर्टकट की क्या होते हैं, फाइंड रिप्लेस एंड गो टू के, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये भी आपको आना बहुत अच्छे से चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे स्पेस एंड टैब के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। फादर ऑफ सी लैंग्वेज क्या होता है, जो कि आपको पता है कि डेनिस रिची, और यहाँ पे स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस आपका सिंगल करेक्टर देता है और टैब आपका 5 करेक्टर स्पेस देता है, ठीक है। यहाँ पे और देखिए क्वेश्चन आपका, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे बैक स्पेस एंड डिलीट के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। जो आपका बैक स्पेस है वो भी आपका क्या पूरा एक एक करेक्टर डिलीट करता हुआ जाएगा, लेकिन किस साइड से जाएगा इसका डायरेक्शन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस साइड से रहेगा ना, तो मतलब क्या इस साइड से आपका डिलीट होगा, लेकिन अगर मैं बात करूंगा इस साइड से डिलीट करने के लिए, तो आपका ये क्या आपका डिलीट बटन ही यूज में आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे, देखिए बाय डिफॉल्ट टास्क बार आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे शॉर्टकट की ऑफ सिंगल करेक्टर सिलेक्शन, तो सिंगल करेक्टर जो आपका सिलेक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे एरो की का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके अलग अलग प्रकार के आपके चेंज केस पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सेंटेंस केस, ठीक है, यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोंगल केस, तो ऐसे ढेर सारे केसेस पाए जाते हैं जो कि एमएस वर्ड या राइटर में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखिएगा कि व्हाट इज़ वेबसाइट और वेबसाइट के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि वेबसाइट हम क्यों बनाएंगे, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यूज़ ऑफ JS, JS का यूज़ हम क्या होता है और कैसे उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो नॉर्मल वे में आप सिंपल भाषा में आपको पता होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट ये भी नहीं बता पाते कि नैलेट का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो फादर ऑफ IoT कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ ओ लेवल आप कर रहे थे, इसका पूरा नाम आपको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, जिसका पूरा नाम होता है ऑर्डिनरली लेबल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम समझेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर M2R5 आप बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पैन टैग एंड DIB टैग में अंतर क्या होता है, इसमें क्या क्या यूजेस होता है, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BG कलर और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में क्या अंतर होता है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में क्या अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे डिफरेंसेस आपके पूछे जाते हैं कि आपके BG कलर और बैकग्राउंड कलर में क्या डिफरेंसेस होगा, ठीक है। जैसा कि बात करेंगे यहाँ पे पाइथन के आपके फादर कौन है, मीन्स पाइथन कौन बनाया है, कब बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए सम HTML फाइल फॉर्मेट या यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है। फॉर्मेटिंग टैग इन द सेंस ये आपके जो टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ पे इनपुट करते हैं उसके अलग अलग फॉर्मेट टैग क्या होते हैं, कैसे आप अलग अलग स्टाइल यूज करते हैं, जो कि आपका बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है, या अंडरलाइन हो गया, या अलग अलग आप ऐसे ढेर सारे टैग कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए समझिएगा कि आपका यूज ऑफ एंगुलर JS क्या होता है, यूज ऑफ CSS क्या होता है, CSS का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए जो मॉड्यूल्स आप अच्छे से पढ़े होंगे उसमें से आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, इसमें से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फादर आपका HTML क्या होते हैं। गाइस आपको फुल फॉर्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बात करेंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, या CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है, और इसके फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए बात कर सकते हैं बेनिफिट यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सटर्नल CSS का क्या बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पे और भी बात कर सकते हैं व्हाट इज कंप्यूटर IQ, और अगला क्वेश्चन देखिए शॉर्टकट की और क्रिएट फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, उसका शॉर्टकट की क्या होगा, ठीक है। रनिंग नेम भी पूछ सकता है कि आपका रनिंग नेम क्या होगा, जैसे एमएस वर्ड का, एक्सेल का, या पावर पॉइंट का, या आपके राइटर वगैरह का क्या रनिंग नेम हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म में, या एक्सटेंशन भी पूछ सकता है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, ओरिएंटेशन क्या होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये आपके अलग अलग ओरिएंटेशन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बात करेंगे ये पेज आपका होगा, ये करंट टाइम में क्या पोर्ट्रेट हो गया, ठीक है, अगर ऐसे बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ मेलिंग क्या होता है, मेलिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या बेनिफिट होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बात करेंगे JS एंड CSS फ्रेमवर्क का क्या यूजेस होगा, यहाँ पे क्या यूज़ ऑफ IoT का क्या इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे, या आप यहाँ पे देखिए IoT का एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मैनर, मैनर होता क्या और किस तरीके से आप मैनर आप
डेवलप कर सकते हैं लोगों के प्रति, या किसी से वार्तालाप आप करें तो मैनर कितने अच्छे तरीके से आप डेवलप करना चाहते हैं या डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे इसी में देखिए और हम यहाँ पे बात करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे या टाइम मैनेज अगर करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि सभी लोग कहते हैं ना सुबह सुबह नहीं उठ पाते हो, ये सारे टाइम को अगर मैनेज करना है तो कैसे आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग इन HTML, आपको पता होना चाहिए H1 सबसे बड़ा होता है और लास्ट आपका सबसे छोटा क्या H6 होता है, आपके टोटल 6 पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बात करेंगे इंपटी टैग क्या होता है जो कि आपके HTML में पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट टप्स, यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन लिस्ट टपल सेट एंड डिक्शनरी क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा भी देख सकते हैं कि व्हाट इज द फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, पाइथन में आपका फाइल हैंडलिंग का क्या रोल होता है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और क्यों इतना ज़्यादा आपका जरूरी होता है पाइथन में फाइल हैंडलिंग, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ CSS एंड JS एंड पाइथन का क्या एक्सटेंशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी जानना है कि आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन इन यहाँ पे क्या पाइथन, कितने प्रकार के आपके फंक्शन होते हैं पाइथन में, तो एक यूजर डिफाइन होता है, एक प्री डिफाइन होता है, तो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कि एरे क्या होता है, कि आपका एरे एक प्रकार का जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे लिस्ट आपका टपल सेट एंड डिक्शनरी ये सारे एक प्रकार के सिक्वेंशियल डेटा टाइप है जो कि एक एरे का फॉर्मेशन है, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जो अब तक के मैं 50 क्वेश्चन बताया हूँ, अगर ये सारे आप पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से बहुत बेनिफिट के साथ जाके एग्जामिनर के साथ बहुत अच्छे से क्वेश्चन अराइज हो, जो भी किया जाएगा उसका आप जवाब दे पाएंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हो हमारे माध्यम से, जो कि मैं ये चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन करके आओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप से क्या क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आप बहुत अच्छे से उसका जवाब दिए हो। गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके ओ लेवल में प्रोजेक्ट भी सबमिट होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, जब तक आप अपना प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करते हो तब तक आपको आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट इशू ही नहीं होगा। तो आपको मैं ये बता दूं कि इसका प्रोजेक्ट जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से इजी वे में आसानी से 5 to 10 डेज के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जो कि मैं आपको बता दूँ इसका मिनिमम प्राइस मैं लिया हूँ कि आप 800 रुपये में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं हमारे माध्यम से, जो कि बहुत। गाइज मैं आपको ये भी बता दूँ, इसके पहले मैं यही प्रोजेक्ट का चार्जेस जो मैं ले रहा था 1000 रुपीज़ ले रहा था, जो कि मैं इसी लॉकडाउन के चलते मैं आपके लिए डिस्काउंट ऑफर में लेके आया हूँ कि आपका प्रोजेक्ट केवल 800 रुपये में सबमिट कर दूंगा। तो इसके लिए आप देर बिल्कुल ना करें, आप मुझे GPay कर सकते हैं या आप यहाँ पे फ़ोनपे करना चाहें तो फ़ोनपे आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आप दिए गए हमारे इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सअप से अगर बात करना चाहें तो आप मुझे क्या व्हाट्सअप से बात भी कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप मुझे क्या कॉल करना चाहें तो कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं, ठीक। गाइज अगर ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसमें आप क्या करेंगे और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।